बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गुरुवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एकेडमिक सीनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल यह बैठक भागलपुर के एसएम कॉलेज परिसर में आयोजित की गई थी। बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सुधार, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राज्यपाल को एनसीसी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुलपति ने राज्यपाल का चादर और मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं बैठक का शुभारंभ राज्यपाल और कुलपति द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कुलगीत और वंदना के साथ समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें सीनेट के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं राज्यपाल के आगमन पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल का तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में यह दूसरा कार्यक्रम था, जिससे विश्वविद्यालय और शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दरअसल इस महत्वपूर्ण बैठक से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय के परीक्षा भवन में आयोजित प्रथम साधारण अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलाधिपति सह राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चौधरी जी, विशेष अधिकारी विश्वविद्यालय श्री प्रदेश देसाई जी, महामहिम के परिसहाय अधिकारी एवं इस सभागार में उपस्थित बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सम्मानित परिषद सदस्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सर्वप्रथम इस पावन अवसर पर प्रथम अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे यशस्वी कुलाधिपति सह राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला की पहचान महबूब आलम की पत्नी यास्मीन परवीन के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। महिला के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पाए गए, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। यास्मीन परवीन के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की पीट पीट कर हत्या की गई है। वहीं यास्मीन की मां ने बताया कि उन्हें यास्मीन की सास ने फोन कर बताया कि यास्मीन रात में सोई थी और सुबह नहीं उठी। जब वे ससुराल पहुंचे तो यास्मीन का शव पड़ा हुआ था। यास्मीन की मां ने दामाद महबूब आलम पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। वहीं महिला के परिजनों के आरोपों के आधार पर ससुराल वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना ने गांव में सनसनी फैला दी है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। मेरी बेटी का शादी होने से डेढ़ साल हुआ शादी करने से, शादी करके एक महीना वहाँ रही अच्छे से, उसके बाद वही मारपीट करने लगा तो लड़की भाग गई तो यही रहने लगा तो एक बेटी पैदा हुई। उसके बाद बेटी का 40 दिन पूरा, उसके बाद हम ले जाकर उसको पहुँचाए, बुलाई से पहुँचा दिए। उसके बाद उसी दिन रात में फिर मारपीट करने लगा, फिर मेरी बेटी भाग गई, फिर हम ले जाकर पहुँचा दिए कि बेटी को बसाना है मेरा। उसके बाद फिर दूसरे दिन भाग गई तो यही रह गई, फिर नहीं भेजाए। क्या दहेज मांगता था? दहेज मांगता था। अच्छा, क्या बोलता था? 7 लाख का सामान हम दे के शादी किए हैं उसको। उसके बाद फिर वैसी क्या मांगता था, कितना मांगता था? फिर क्या मांगता था? लड़की से मांगता था। क्या बोलता था? बोलता था पारो पैसा लाने के लिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? मेरे नजर कपड़े का फेरी करता है। आपके हस्बैंड? हाँ। अच्छा, कब शादी किए थे? 1.5 साल पहले? हाँ, 2023 में। कहाँ किए थे शादी?
अपने घर से किया महेशी। कहाँ किए थे? महेशी। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है वो? वहाँ सुल्तानगंज। लड़का का क्या नाम है? लड़का का महबूब नाम है। क्या करता है वो? इसके ट्रक का इंजन मिस्त्री। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा बीवी अर्जुमन नाम है। शादी से मतलब कि आप जब लड़का से शादी किए थे उस समय देखो के किए थे ना? हाँ, देखो के किए थे। उस समय दहेज दिए थे 7 लाख रुपया खर्चा किया था। 7 लाख का खर्चा करके दहेज दिए थे। उसके बाद पैसा मांगता था? हाँ, फिर पैसा मांगने लगा। उसी बीच में मारपीट करता? हाँ, मारपीट करता था। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के ई किसान भवन प्रांगण में गुरुवार को रबी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी कृषि पदाधिकारी राम पुकार ने की और मंच का संचालन सीनियर कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो संजीव कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार, जदयू महिला अध्यक्षा प्रेम प्रभा सिन्हा और वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार एवं डॉक्टर शशांक त्यागी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रबी फसल की उन्नत तकनीक, अधिक उत्पादन के उपाय और आधुनिक कृषि प्रथाओं पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने किसानों को उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जागरूक किया। शुरुआत में अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया गया और किसानों को प्राकृतिक खेती और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया। बीटीएम इति कुमारी सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आयोजन में अपना सहयोग दिया। वहीं कार्यक्रम में दर्जनों किसानों ने भाग लिया और वैज्ञानिक से कृषि संबंधित समस्याओं पर सलाह ली। रवि महोत्सव कार्यक्रम प्रखंड सुल्तानगंज अंतर्गत किया गया, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी किसान उपस्थित हुए, बहुत सारे किसान, जिसमें रवि मौसम में गेहूं, चना, मसूर, मटर एवं सरसों के बीज के बारे में जानकारी दी गई। आपको किसानों को मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत किसानों को 90% की अनुदान पर गेहूं का बीज उपलब्ध है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। सुल्तानगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर चल रहे 6 दिवसीय हड़ताल को गुरुवार को समाप्त कर दिया। दरअसल यह निर्णय उपसभापति नीलम देवी के हस्तक्षेप के बाद लिया गया। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर उपसभापति नीलम देवी के आवास पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। नीलम देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार से दूरभाष पर वार्ता की। वहीं इस वार्ता के दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही, जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने सफाई कर्मियों को समय पर वेतन और पीएफ का पैसा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सेकेंड शिफ्ट में काम देने का निर्णय भी लिया गया। इस पहल के बाद सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट गए। सफाई कर्मियों के मेट विनोद मलिक और सोनू कुमार सहित अन्य सफाई कर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। सफाई कर्मियों ने उपसभापति नीलम देवी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही उनकी मांगे पूरी हो सकी है। के विषय में ही लोग हड़ताल किए थे, एनजीओ साहब से बात हुआ, बोले कि हम पीएफ वाला पैसा भी दे देंगे जोड़ के, और बड़ा बाबू से बात हुई और कार्यपालक से बात हुई कि 40 लेबर जो खट रहे थे पहले, उसको जो बैठाया गया था उसको भी अब सेकेंड पाली में काम मिलेगा और सब लेबर मेरा काम करेगा और सही से पैसा, सही समय समय पर सब कर्मी का पैसा मिलेगा।